मल्होत्रा ग्राम से 5 थानों की पुलिस ने दबिश देकर अवैध शराब बनाने की भट्टियां संचालित करती एक महिला सहित 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। खबर श्योपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के आदेश पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियार, अवैध शराब, स्मैक एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और इनमें संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम के चलते आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर देहात थाना के अंतर्गत ग्राम मल्होत्रा में SDOP राजीव गुप्ता के नेतृत्व में 5 थानों के संयुक्त पुलिस द्वारा तड़के सुबह दबिश दी गई, तो वहां से अवैध शराब संचालित करने वाले 3 आरोपियों को 260 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद का सभी थानों को सख्त निर्देश है, संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि क्षेत्र में नहीं चलनी चाहिए। श्योपुर से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।